अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बूथ पर तेज तैयारी। अब वोटरों की बारी, यूपी में तीसरे फेज के लिए कल मतदान होना है। आज 16 जिलों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 20 फरवरी को यानी कि कल संडे को 59 सीटों पर मतदान होगा। 627 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर करने वाले हैं। अखिलेश समेत कई दिग्गजों के दांव पर साख पर लगी हुई है। अब क्या होगा, साख दांव पर लगी हुई है, माफ कीजिएगा। देखिए, कल का दिन बहुत अहम है और कल के दिन वोटरों को ही फैसला करना है। वोटर 2.25 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं जो 16 जिलों की 59 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और किसके भाग्य का फैसला क्या आने वाला है, इसका इंतजार 10 मार्च तक करना ही होगा। और चले इसी पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर झांसी से अवधेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से रतीश मेरे साथ हैं। सबसे पहले अवधेश का रुख कर लेते हैं। अवधेश, देखिए, अब तेज तैयारी तो लगातार लंबे वक्त से तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग पार्टियों के कर ही रहे थे, लेकिन अब जो बारी है वो वोटरों की बारी है। कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा पाएंगे दर्शकों को? बिल्कुल दीपा, हम तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त हम झांसी के भोजला मंडी में हैं और देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पोलिंग पार्टीज को भेजा जाना है और जितने भी मतदान कर्मी हैं वो यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं जहां से इनको ईवीएम मिलेगी, वीवीपैट मशीन मिलेगी। और इधर भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो आने का सिलसिला है लोगों का, अलग अलग जो मतदान कर्मी है, अलग अलग विभागों से इलेक्शन ड्यूटी जो लगाई जाती है वो चल रहे हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो आ रहे हैं। हम जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें, उप जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें, तो पूरा अमला इस वक्त झांसी के सब्जी जो गल्ला मंडी है, भोजला मंडी है, यहाँ पर जुट रहा है और यहीं से सभी पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो कल ही एक बड़ी जो टीम थी सुरक्षा कर्मियों की, चाहे हम एसएसबी की बात करें, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, तो उन तमाम लोगों को अलग अलग केंद्रों पर भेज दिया गया था सुरक्षा के लिए। आज भी जो ईवीएम वीवीपैट जाएगी भारी सुरक्षा के बीच जाएगी। जिले भर से देखिए जो मतदान कर्मी है वो इस बड़ी मंडी में अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं और सभी काउंटर, यही वो जगह है जहां से जिले भर में ईवीएम मशीनें भेजी जाएंगी, वीवीपैट मशीन भेजी जाएगी। और देखिए कोविड काल चल रहा है तो ऐसे में जो भी लोग मतदान के लिए लेने के लिए, उनका पहले थर्मल स्कैनिंग हो रही है और जरूरत पड़ने पर उनका टेस्ट भी किया जाएगा ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। तो ये पूरी तस्वीर है और ये भोजला मंडी की तस्वीर है, यहीं से मतदान शुरू होगा। हालांकि यहाँ का माहौल भी गर्म हो चुका है दीपा, कल सपा और बसपा, सपा और भाजपा के दो पक्ष। चलिए ठीक है, अब आपने तस्वीरें वहां की दिखाई, अब कानपुर की तस्वीर देख लेते हैं। रतीश वहां से लगातार बने हुए हैं। रतीश, आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीर हो रही है? पोलिंग पार्टियां रवाना आवाज से, क्या तस्वीर है? कानपुर में नौबस्ता गल्ला मंडी वो सेंटर है जहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, वहां पर ही हम मौजूद हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने की इजाज़त है। यहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। अब से कुछ देर पहले लोग आना शुरू हो गए हैं, मतदान कर्मी आना शुरू हो गए हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। 851 बसें और 1061 हल्के छोटे वाहन लगाए गए हैं जिनसे मतदान कर्मियों को और सुरक्षा कर्मियों को उनके गंतव्य तक, यानी उनकी ड्यूटी जहां पर लगी हुई है वहां पर ले जाया जाएगा। और तमाम बूथ बनाए गए हैं, 1428 मतदान केंद्र हैं और 3714 बूथ बनाए गए हैं जिन पर मतदान किया जाएगा। 10 सीटें कानपुर में आती हैं, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान जिला निर्वाचन अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 10 बजे के आसपास वहां पर पहुंचकर इंतजामों को परखेंगी, देखेंगी और जो मतदान कर्मी जा रहे हैं उनसे उनकी ड्यूटी के बारे में और जो ट्रेनिंग उनको दी गई है उसके बारे में बातचीत भी करेंगी। तो पूरी तरह से 20 तारीख को मतदान होना है, कल मतदान होना है, उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र और जो ट्रेनिंग हुई है और निष्पक्ष और साफ चुनाव कराने के लिए जो उनको सिखाया गया है, बताया गया है, उसके बारे में तैयारियों को परखेंगी। जी चलिए, सुरक्षा के माहौल के बीच में ही पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जाएगा। हर एक बारीकी पर, हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है बारीकी से और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लोकतंत्र का महापर्व है, कल वोटरों की बारी है, उससे पहले जो पोलिंग पार्टियों की रवानगी है वो धीरे धीरे हो रही है। बहुत शुक्रिया अवधेश और रतीश आपका पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए।